मूवी के स्टार्ट में हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है। वहीं पर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ था और उसकी इस रिसर्च सेंटर में आज पहला दिन था। वो प्रोफेशन से एक नर्स है और अब वहाँ पर एलिजाबेथ को डॉक्टर वेस्टर से मिलवाया जाता है। हम लोग इनको डॉक्टर नाम से ही जानेंगे। डॉक्टर एलिजाबेथ को पूरा रिसर्च सेंटर दिखाते हैं और उसको डॉक्टर बताते हैं कि हमारा रिसर्च का फर्स्ट सब्जेक्ट अभी अनकॉन्शियस है और वो अगले 24 घंटे में जिंदा हो जाएगा और तुम्हें उसका पूरी तरह से ख्याल रखना होगा और उसे हमेशा खुश रखना होगा। अब एलिजाबेथ डॉक्टर की बातों को मान जाती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। अब ये साल है 2015 का। हम लोग यहाँ पे मार्क नाम का इस व्यक्ति को देखते हैं। वहाँ पर उसका डॉक्टर आता है और उसे बताता है उसे कैंसर है और ये अभी लास्ट स्टेज में चल रहा है और उसके पास सिर्फ जीने के लिए एक ही साल बचा है। ये सुनकर मार्क बहुत ज्यादा डर जाता है। अब मार्क को देखते हैं जो अपने कार को लेकर रोड पे खड़ा था। तभी वहाँ पर मार्क का गर्लफ्रेंड आती है और उसको मार्क के हालत के बारे में अभी अभी पता चला था। वो उसकी गले लगकर कहती है उसकी बगैर वो नहीं रह पाएगी। यहाँ पे और एक बात, मार्क का गर्लफ्रेंड का नाम मियोमी है तो हम लोग उसे मियोमी नाम से ही जानेंगे। और मियोमी मार्क को अच्छा फील करवाने के लिए उसका सभी फ्रेंड के साथ एक डिनर का प्लान करते हैं, लेकिन मार्क के ऊपर इन सभी चीजों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। मार्क वहाँ से उठता है और अपना टैब लेने के लिए रूम में चला जाता है। अब मार्क वापस आता है और अपने सभी फ्रेंड को एक 7 साल पुराना आर्टिकल दिखाता है। वो दिखाते हैं कि कुछ साइंटिस्ट आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था। उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि अगले एक्सपेरिमेंट वो लोग इंसान पे करने वाले हैं जिससे इंसान की और भी बॉडी ऑर्गन बनाया जा सकेगा। मार्क इतना जल्दी मरना नहीं चाहता है, वो और भी बहुत साल जिंदा रहना चाहता है। अब मार्क ये डिसीशन लेता है कि वो अपने सारे प्रॉपर्टी को बेच के फ्रोजन स्लीप में चला जाएगा, यानी वो क्रायो स्लीप में चला जाएगा और फ्यूचर में उठेगा ताकि फ्यूचर के साइंटिस्ट उसकी सेल को रीजनरेट कर दे और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उसको फिर से और एक बार जिंदा कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गया होगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ मार्क की इस फैसले से मियोमी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो ये चाहती थी कि मार्क अपने डॉक्टर के पास इलाज कंटिन्यू करवाते रहे। तभी इस बात पर मार्क कहता है, मेरा फादर को भी कैंसर था, उन्होंने भी कंटिन्यू ट्रीटमेंट करवाया था लेकिन इसके बावजूद भी वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए थे और मैं ये नहीं चाहता मैं भी उन्हीं की तरह मर जाऊं। अभी इस बात पर उसका एक फ्रेंड कहता है, तुम्हारी मरने के बाद ही डॉक्टर तुम्हें फ्रोजन स्लीप में ले जा सकते हैं। अब मार्क इसका भी सलूशन सोच के रखा था। वो कहता है वो खुद को ही मार डालेगा जिससे डॉक्टर को लीगल राइट मिल जाएगा उसकी बॉडी को क्रायो स्लीप में डालने के लिए। इसके बाद हमें फ्यूचर का सीन दोबारा से दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से एक पूरे इंसान की बॉडी को बना रहा था। और इसके बाद डॉक्टर ने जिस इंसान को तैयार किया था हम लोग उसकी आँख खोलते देखते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये शख्स और कोई नहीं मार्क है जिसे डॉक्टर ने उसकी पुरानी बॉडी से सेल रीजनरेट करके नए बॉडी में ट्रांसफॉर्म किया होता है उसको वापस से जिंदा करने के लिए। और जिस तरह एक न्यू बॉर्न बेबी की पेट में एक नली जुड़ा हुआ होता है ठीक वैसे ही मार्क की पेट में एक नली जुड़ा हुआ होता है जिससे मार्क की बॉडी में फूड सप्लाई किया जाता था। अगर ये पाइप मार्क की बॉडी से अलग हो जाए तो मार्क कुछ ही घंटे तक इसके बगैर जिंदा रह पाएगा। इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर मार्क को एक डिवाइस देते हैं जिसके द्वारा मार्क अपने पुराने यादों को अपने दिमाग में स्टोर कर पाएगा। मार्क को डॉक्टर पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था क्योंकि मार्क ही एकलौता ऐसा इंसान था जिसे मरने के बाद फिर से जिंदा किया गया था। हमने मूवी की शुरुआत में एलिजाबेथ को देखा था, उसे 100 दिन तक मार्क का ध्यान रखना होगा और ये 100 दिन मार्क को एक रूम में ही रहना होगा। इसी तरह आहिस्ते आहिस्ते दिन गुजरता रहता है और मार्क की हालत बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा था, लेकिन मार्क अकेले रहने के कारण वो बहुत ज्यादा अकेले फील कर रहा था और धीरे धीरे उसकी पिछली जिंदगी की याद ताजा हो रहा था और अपने गर्लफ्रेंड के साथ गुजारे हुए समय और दोस्तों के साथ की हुई पार्टीज और मस्तियाँ। मार्क अपने फ्यूचर के बारे में जैसा सोच के रखा था कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, मगर फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अच्छा तो दूर की बात, उसे चलने में भी किसी का सहारा का जरूरत होता था। अब इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बहुत वक्त गुजर जाता है और मार्क का 100 दिन भी पूरा हो जाता है और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर ने पार्टी रखा होता है और अपने पूरी टीम को मार्क के पास लाते हैं। अब मार्क को एक बॉक्स गिफ्ट दिया जाता है जिसमें उसकी सभी पुरानी चीजें रखी हुई थी और ये सब देखकर मार्क को अपनी पुरानी लाइफ याद आ रही थी। यहाँ पर उसका गर्लफ्रेंड मियोमी का एक लेटर भी मिलता है। वो लेटर मार्क एलिजाबेथ को पढ़ने के लिए देती है।
जब मार्क क्रायोस्लिप में था तब मियोमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी उसकी बगैर के बाद मियोमी जब 50 साल की हो गई थी तब क्रायोस्लिप में जाने का डिसीजन लिया था क्योंकि वो फिर से मार्क के साथ अपने लाइफ को स्टार्ट करना चाहती थी। मियोमी का लेटर सुनने के बाद मार्क को बहुत ज्यादा दुख होता है। मार्क सोचता है कि वो कैसे सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता था। मार्क डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके मियोमी को जिस स्पॉट में रखा हुआ था उस स्पॉट के पास जाते हैं और डॉक्टर को ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मियोमी को भी उसकी तरह फिर से जिंदा कर दिया जाए जैसे कि उसे जिंदा किया गया है। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग जब मियोमी की बॉडी को क्रायोस्लिप में डाला था तब उम्र होने के कारण उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी जिसलिए प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी बॉडी को रीजेनरेट करना मुश्किल है। मार्क ये सब कुछ सुनकर मियोमी का इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को ही मान रहा था। अब वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है जिसकी वजह से उसका हालत भी खराब होने लगता है। अब वही पे सारा डॉक्टर मार्क का बदलते हुए रवैया को देख रहा था और इस पर डिस्कस कर रहा था। ये सब देखते हुए एलिजाबेथ डॉक्टर से कहती है मार्क को रिसर्च सेंटर के बाहर जाने देना चाहिए ताकि वो बदलते हुए बाहर की दुनिया को देखे और शायद मियोमी को भूल जाए। लेकिन डॉक्टर कहते हैं हमें मार्क को थोड़ा टाइम देना होगा ताकि वो खुद मियोमी की याद से बाहर आ पाए। मगर कहीं ना कहीं एलिजाबेथ मार्क की तरफ आकर्षित हो रही थी और उसको बहुत ज्यादा मार्क की फिक्र हो रही थी। अब एक दिन डॉक्टर जाने के बाद मार्क उसकी रूम की चाबी चुरा लेता है। फिर डॉक्टर के रूम में जाने के बाद उसका माइंड रीडर डिवाइस मिलता है। मार्क जब उस डिवाइस को पहन लेते हैं तब डॉक्टर के सारे पुराने याद और उसकी जिंदगी में की हुई सारे एक्सपेरिमेंट मार्क को दिखाई देने लगता है और यही पर मार्क को पता चलता है कि डॉक्टर ने इससे पहले बहुत सारा इंसान पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन सभी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। डॉक्टर ने उन सब इंसान को जिंदा तो किया था लेकिन उनकी बॉडी में बहुत सारा वीकनेस होने की वजह से उन सभी का फिर से डेथ हो गया था लेकिन सिर्फ उसके ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट ही सक्सेस हुआ है। ये सब जानने के बाद मार्क डॉक्टर से मिलने आता है और आकर डॉक्टर से कहते हैं कि तुम सब लोगों का मौत का जिम्मेदार हो जिन लोगों के ऊपर डॉक्टर ने सभी रिसर्च किए थे। तब डॉक्टर अपने सभी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। अब कुछ टाइम के बाद मार्क दोबारा से मियोमी की स्लीपिंग पॉट के पास जाता है। अब वहीं पर एलिजाबेथ भी आ जाती है। तभी मार्क एलिजाबेथ को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि क्रायोस्लिप में जाने से पहले वो कैसे अपने जान दे दी थी और जहर पी लिया था। अब इसके बाद वो बताते हैं कि वो अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था जैसे अभी उसका ये लाइफ चल रहा है और अभी वो जैसा जिंदगी जी रहा है और ये जिंदगी पुरानी जिंदगी जैसा एकदम भी नहीं है। और अब वो एलिजाबेथ की हेल्प मांगती है ताकि वो खुद की जिंदगी खत्म कर सके और वो इस दर्दनाक जिंदगी से बाहर आ सके। पर एलिजाबेथ रोते हुए उसे मना कर देते हैं क्योंकि एलिजाबेथ भी मार्क से कहीं ना कहीं प्यार करने लगी थी। इसके बाद मार्क जब रूम में चला जाता है तब एलिजाबेथ भी उसके रूम में चली जाती है और उसके गले लग जाती है और उसके कान में उस मेडिसिन का नाम भी बता देती है जिसे पीकर वो मर सकेगा। अब मार्क रिसर्च सेंटर के लैब में जाता है और एलिजाबेथ की बताया हुआ मेडिसिन को चुरा लेता है। जब मार्क जहर पीने वाला था तब उसे अपना जिंदगी का फ्लैशबैक याद आता है जहां पर वो पहले भी जहर पीकर अपना जान दिया था। अब मार्क पॉइजन की बोतल को लेता है और फिर से मियोमी की स्लीपिंग पॉट के पास चला जाता है और वो अब पुराने जिंदगी की यादों को याद करते हुए वो पॉइजन को पी लेता है और साथ ही साथ मियोमी की स्लीपिंग पॉट की पावर सप्लाई को भी काट देते हैं ताकि मियोमी फिजूल की एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ना बने इसलिए। और मार्क वही पर बैठ कर अपने मौत का इंतजार कर रहा था। इसके बाद हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है मार्क का फिर से आँख खुलता है और सभी डॉक्टर उसके सामने होता है। तब डॉक्टर मार्क को बताते हैं तुम्हें कैंसर था लेकिन तुम मरना नहीं चाहते थे इसलिए तुमने जहर पीकर जान दे दी थी ताकि फ्यूचर में तुम्हें जिंदा किया जा सके फिर से। अब तुम अपने दूसरे जिंदगी को बर्बाद मत करो। साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी ने तुम्हें और एक बार जिंदगी जीने का मौका दिया है। इस सीन से हम लोग ये समझ पाते हैं मार्क जितना भी बार सुसाइड करता है उसे रिसर्च के लिए उतना ही बार जिंदा कर लिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होता है।